हेल्दी टेस्टी चटपटा नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा नाश्ता, जिसे कि आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या तो फिर आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही कम ऑयल में बन के तैयार हो जाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है, वही आटा जो हम रेगुलर रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हमने इसमें नमक डाल दिया है, 2 चम्मच ऑयल डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे कटा हुआ मेथी का पत्ता इसमें डाल लिया है। मेथी को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर ले, धो ले, उसके बाद बिल्कुल बारीक सा इसे काट करके इसमें डाल लेते हैं। इसमें हमने पत्तों का यूज़ करना है, डंठल का, मोटे मोटे जो डंठल्स हैं उसका यूज़ नहीं करेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मेथी ना हो तो इसकी जगह आप पालक का यूज़ कर सकते हैं। इससे जो हमारा नाश्ता बनेगा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनता है और बच्चे जो अक्सर सब्जियां खाना नहीं चाहते हैं वो भी बहुत ही आसानी से इन सब्जियों को खा लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेते हैं और इसका डो तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा डो तैयार है। जैसे हम पराठे के लिए डो बनाते हैं उस तरह से हमने इस डो को बना के तैयार कर लिया है, यानी कि हल्का सा सख्त रखना है। पैन में हमने ऑयल को गर्म किया है, इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे, हल्का सा इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स डाल लेते हैं, तो अपने पसंद का वेजिटेबल यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कटी हुई शिमला मिर्च डाली है, कटा हुआ पत्ता गोभी डालते हैं और अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ कैरेट डालेंगे। तो सब्जी का क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इस सब्जियों के साथ आप बीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें से अगर कोई सब्ज़ी आपके पास नहीं हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से चलाते हुए पका लेते हैं। तो करीब 3 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया था। तो इसे फ्रेंड्स आप हाई फ्लेम पे पकाएं ताकि जो सब्जियों का क्रंच है वो बना रहे और सब्जियां जो है पानी छोड़ के सौगी ना हो। तो अब हम इसमें 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च पाउडर डाल लेते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें डाल लेते हैं सोया सॉस, 1 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे, 1 से 2 चम्मच टमाटो केचप डालें अपने टेस्ट के हिसाब से। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1/4 टीस्पून डाल लेते हैं लाल मिर्च का पाउडर, इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सोया सॉस का यूज़ किया है जिसमें कि थोड़ा सा नमक होता है, तो उस हिसाब से इसमें नमक डालें आप। तो इसे अच्छी तरह से हमने मिला लिया है, तो हमारा ये स्टफिंग तैयार हो चुका है। साइड में रख देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। यहाँ हमने डो से एक लोई ले ली है और उसमें से हमने सूखा आटा डाल के इसे बेल लिया है। तो अब हम इसे बीच से इस तरह से काट लेते हैं। तो नाइफ़ की हेल्प से हमने इसे काट लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा स्टफिंग डाल लेते हैं। तो 1 से 2 चम्मच ही स्टफिंग डालेंगे, बहुत ज़्यादा स्टफिंग हमें इसमें नहीं डालना है। तो इस तरह से हमने इसमें स्टफिंग को डाल देना है। फ्रेंड्स, ये स्टफिंग खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, और देखा आपने इस नाश्ते में हमने कितने सारे वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। इससे बच्चे भी काफ़ी आसानी से इन वेजिटेबल्स को खा लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक कटोरे में पानी लिया है, पानी को हम इस तरह से उंगली की हेल्प से हर तरफ इसमें लगा लेते हैं। इस नाश्ते में साइड साइड में हम पूरी तरफ लगा लेंगे, जिससे कि जब हम इस नाश्ते को पैक करेंगे तो बिल्कुल ही अच्छी तरह से पैक हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से अब हमें एक साइड को उठा लेते हैं और इसे इस तरह से कवर कर लेंगे। साइड साइड को हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सील हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बाकी के भी नाश्ते को बना करके तैयार कर लेते हैं, और इसे आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये नाश्ता तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने 2 चम्मच ऑयल को गर्म कर लिया है और अब हम इसमें इस नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से अब हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं एक तरफ से ये अच्छी तरह से पक चुका है और बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया हुआ है। ये देखिए,
कितना अच्छा इसमें कलर आया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से ये क्रिस्प होकर के तैयार हुआ है। इसी तरह से हमने इसे दूसरी तरफ से भी पका लिया है और ये दोनों तरफ से अब अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, गेहूं के आटे से हमने कितना शानदार सा नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। अगर आप इसे सुबह सुबह बनाना चाहें और आपके पास टाइम नहीं हो, तो आप स्टफिंग को पहले से ही बना के रख लें और इस तरह से सुबह आप फटाफट से इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। अब आपको मैं इसे अंदर से दिखा देती हूँ, तो इसे अब हम तोड़ के देख लेते हैं। स्टफिंग से भरपूर ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और हमने इसमें सॉस का यूज़ किया है, तो आपको इसमें अलग से सॉस लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर फिर भी अगर आप चाहें तो इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार सा हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएं।